गोंदिया में सर्वप्रथम सुबह 9:30 बजे किरण आंबेकर उप जिला निवडणूक अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया इन्होंने झंडी दिखाकर मतदाता दिवस रैली की शुरुआत की। रैली में मनोहर म्युनिसिपल हाई स्कूल के विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी शामिल थे। तत्पश्चात उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सभागृह में मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से श्रीमती पर्वनी पाटिल उप विभागीय अधिकारी तथा मतदान नोंदणी अधिकारी गोंदिया तथा श्री शमशेर पठान तहसीलदार गोंदिया, साथ ही श्री विशाल सोनो ने अपर तहसीलदार गोंदिया, श्री रमेश पालनदुरकर नायब तहसीलदार, संजय बारसाखड़े नायब तहसीलदार निवडणूक, श्री प्रकाश तिवारी नायब तहसीलदार, श्रीमती सीमा पाटनी नायब तहसीलदार, श्री वाड़के नायब तहसीलदार और उप विभागीय अधिकारी तथा तहसील कार्यालय के कर्मचारी वर्ग उपस्थित थे। चुनाव संबंधित कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मतदान केंद्र स्तरित अधिकारी बीएलओ पर्यवेक्षक इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नए युवा मतदाता इन्हें मतदान उड़क पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को मतदान शपथ दिलाई गई। भारतीय संविधान अनुसार राष्ट्रीय निवडणूक आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली। त्यामुळे आपण 25 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून निवडला। केव्हापासून? तर 2010 पासून राष्ट्रीय मतदार दिन हा कॉन्सेप्ट सुरू झाला। याच्या मागे कारण असं होतं की जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताचा गौरव केला जातो। मात्र जर आपण ॲव्हरेज काढला मतदानाच्या टक्केवारीचा, तर जवळपास 55% किती 55% लोकसभेला संपूर्ण भारताभरातून मतदान होतं। म्हणजे 45% जे मतदार आहेत हे मतदान करत नाही। का करत नाही? तर प्रत्येकाच्या मनात एक ही असतं की माझ्या एकट्याच्या मतदानामुळे काय फरक पडणार आहे। तर यावरती आयोगाने लक्ष घेतलं आणि जोपर्यंत आपण इन्क्लुझिव्ह डेमोक्रेसी होणार नाही, म्हणजे जोपर्यंत 100% आयोगाने टार्गेट तर काय ठेवलेलं आहे की 100% मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क। NBC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।